आपके लिए कॉर्न सिरप की रेसिपी लाई हूँ जो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं, जैसे केक को डेकोरेट करने में, पाइपिंग जेल बनाने में, मफिन्स को डेकोरेट करने में, स्वीट डिज़र्ट में, बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह घर में इजली बना सकते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। हेलो, आई एम शशि। आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल सी कॉर्न सिरप की रेसिपी लाई हूँ। तो देखिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। तो एक कप चीनी ले लेंगे और हाफ कप पानी, यानी अगर हम एक कप चीनी ले रहे हैं तो आधा उसका क्वांटिटी में पानी होगा। टू पिंच सॉल्ट ले लिया और हाफ लेमन। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए गैस को हमने ऑन कर दिया है, अब इस पर हम एक कप चीनी डालेंगे, यानी चीनी जितना है उसका हाफ क्वांटिटी में आप पानी ऐड करिएगा। तो हाफ कप यहाँ पे पानी ऐड कर दे रहे हैं और इसको हम डिज़ोल्व करेंगे। पूरा प्रोसेस आपको टेम्परेचर को बिल्कुल लो पे करके ही करना है। तो आँच को बिल्कुल लो पे कर दीजिए, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाइट कलर का ही कॉर्न सिरप बनाना है। तो इसके लिए आंच को बिल्कुल लो पे करके इसे चलाते जाना है, यानी चीनी डिज़ोल्व हो जाए। जब एक उबाल आ जाता है तो फिर इसमें हम आंच को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जो 2 पिंच सॉल्ट लिया उसको भी ऐड कर दिया है इसके साथ ही। अब इसको हम धीरे धीरे डिज़ोल्व करेंगे, यानी चीनी अच्छे से प्रॉपरली डिज़ोल्व हो जाए। तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा, उसके बाद जब इसमें उबाल आएगा तो थोड़ा सा आँच हम बीच में बढ़ा देंगे। लेकिन पूरा प्रोसेस आप कोशिश करिए कि आँच को बिल्कुल लो पे करके ही करना है। तो ये देखिए इस तरह से हम धीरे धीरे चलाते हुए इसको डिज़ोल्व कर रहे हैं। इसे प्रॉपरली आप चलाते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। चलाएंगे तो ये आपका जो है बनेगा जो कॉर्न सिरप बहुत ही बढ़िया सा बन के तैयार होगा। तो इसलिए आप इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिए। तो देखिए हम इसको चला रहे हैं, तो इसे चलाना बहुत ही मस्त है। तो इसको चलाते हुए डिज़ोल्व करेंगे। ये देखिए शुगर अब डिज़ोल्व होने लगा है, आप देख रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट गल चुका है। अभी इसमें जब उबाल आएगा तो थोड़ा सा टेम्परेचर हम इसमें बढ़ा देंगे। अभी देखिए डिज़ोल्व हो गया, आप देख रहे हैं इसमें उबाल आ गया है। अब आँच को थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं और फिर इसको प्रॉपरली चलाते जाएंगे। इसमें जो झाग दिख रहा है ये थोड़ी देर बाद अपने आप से ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीनी का झाग है, इस तरह से इसको बनने दीजिए। इस तरह से बनता है तो कोई बात नहीं, आप इसे कंटिन्यूसली बस चलाते रहिए, इसे आपको रोकना नहीं है। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। अभी इसका हम टेक्सचर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम चेक करते हैं कि हमारा कॉर्न सिरप बन के तैयार हो गया है। तो इसको चलाते हुए इस तरह से आँच को देखिए हमने थोड़ा सा बढ़ाया है। अब इसमें हम डाल देंगे लेमन, लेमन के स्लाइस इस तरह से डालेंगे। देखिए इसके सीड को निकाल दीजिए बिल्कुल। अब इसके एक स्लाइस को हम हाफ लेमन ले रहे हैं, इसको इस तरह से इसमें डाल दें। तो लेमन डालने से क्या होता है, जो चीनी होता है ये क्रिस्टलाइज नहीं होता है, यानी जमता नहीं है। तो ये जालना बहुत मस्त है। तो आप इस तरह से स्लाइस ही डालिएगा नींबू के। तो इसे हाफ लेमन इस तरह से कट करके इस तरह से डाल दीजिए इसमें, इसके स्लाइस को। अब इसके साथ इसको हम चलाते रहना है, यानी इसको चलाइए जिसे कहीं भी एक जगह पे लगने ना पाए और इसका कलर बिल्कुल गाढ़ा ना होने पाए। तो इस तरह से वाइट ही इसे हमें रहने देना है, इसलिए इसको चलाना बहुत मस्त है। तो आप स्पैचुला से या फिर किसी स्पून से आप इसे कंटिन्यूसली चलाइए। तो देखिए इस तरह से हम इसको चला रहे हैं, पूरा बनने में 5 से 7 मिनट लग जाता है। तो ये देखिए इसको पेशेंस के साथ बनाइए, बहुत ही बढ़िया सा एक कॉर्न सिरप हमारा बन के घर में तैयार होता है। और इससे आप बहुत सारे स्वीट डिज़र्ट बना सकते हैं, स्वीट्स में इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका पाइपिंग जेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किस तरह से इसका हम पाइपिंग जेल बनाते हैं, जो हम केक पे राइट करते हैं, लिखते हैं, तो वो हम किस तरह से बना सकते हैं। और मिरर ग्लेज केक जो बनता है वो भी आप उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट मिरर ग्लेज केक के लिए भी हम आपको एक रेसिपी देंगे किस तरह से चॉकलेट मिरर ग्लेज हम बनाते हैं और किस तरह से कलरफुल हम पाइपिंग जेल बनाते हैं, ये वीडियो भी हम आपको देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो हम आपको देने वाले हैं पाइपिंग जेल हम किस तरह से बना रहे हैं इसी कॉर्न सिरप से। तो ये कॉर्न सिरप बनाना बहुत ही मस्त है, क्योंकि ये इन सारी चीज़ों का बेस होता है। इसको बना के अब जब इसको यूज़ करते हैं ना, तो जो हमारा ग्लेज बनता है बिल्कुल मिरर की तरह ट्रांसपेरेंट दिखता है। तो ये बहुत ही बढ़िया सा रेसिपी है और बहुत ही यूज़फुल है अगर आप केक बनाने के शौकीन हैं, घर में केक बनाना चाहते हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल। तो इस कॉर्न सिरप को बनाना आप सीख लीजिए अच्छे से। तो ये देखिए इस तरह से देखिए हम चला रहे हैं। अब आप देखिए इसका टेक्सचर कुछ गाढ़ा होने लगा है, यानी जो हमारा सिरप बन रहा है ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है। अब इस तरह से देख रहे हैं आप, कंटिन्यू इसे चला रहे हैं। तो इसे लगातार ही चलाइएगा, क्योंकि ये शुगर है, ये बीच में या साइड्स पे ही लग सकता है।
तो ये इसका कलर ना चेंज हो, इसलिए बहुत मस्ट है कि इसे हमें चलाते रहना है। अब हम आपको इसको दिखाएंगे कि किस तरह से हम चेक करते हैं कि हमारा ये बन गया है। जब इसको चलाते हैं तो आपको ये दिखने लगता है कि किस तरह से गाढ़ा हो रहा है। अब हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए लेमन है, इसके स्लाइसेस को हम थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर दे रहे हैं जिससे इसके जूस जो है वो अंदर तक आ जाए। वैसे भी ये इसके अंदर अच्छे से सोक हो गया है, इसका सारा जो लेमन जूस है वो अपने आप से इसमें आ जाता है। अब हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से चेक करेंगे। तो इसके लिए एक बाउल में ठंडा पानी ले लीजिए और फिर उस पानी के अंदर इसे जो हमने सिरप बना के तैयार किया है, देखिए गाढ़ा लगने लगा है तो अब ये चेक करने लायक हो गया है, इसे हम चेक कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो एक बाउल में पानी ले लेते हैं, फिर उसमें इसके कुछ ड्रॉप्स को हम डालेंगे। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इसको बनाना है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। देखिए एक बाउल में हमने पानी ले लिया, अब इसके हम ड्रॉप्स को इसमें डालेंगे। अब हम आपको दिखा रहे हैं इसको आप स्पून से या फिर हाथ से इस तरह से जब आप निकालेंगे तो एक बाउल के जैसा बनने लगता है, यानी बॉल शेप में आ जाता है, इस तरह से कलेक्ट होने लगता है, यानी छोटी सी इसकी गुठली बनने लगती है। तो आप समझ जाइएगा कि ये हमारा टेक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया। आप देख रहे हैं किस तरह से छोटा सा ये कलेक्ट हो रहा है, बॉल शेप में बन रहा है, यानी इकट्ठा हो रहा है। तो अब ये बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। हम गैस को ऑफ कर दे रहे हैं, ऑफ करने के बाद भी इसको चलाते रहेंगे तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। हमारा कॉर्न सिरप बन के तैयार हो गया, बस यहीं तक आपको पकाना है। आप जब चेक करिए तो इस तरह से कलेक्ट होने लगे तो आप समझ जाइए आपका ये बन गया है। तो अब गैस को ऑफ कर दे रहे हैं और गैस को ऑफ करने के बाद भी देखिए इसको चला रहे हैं। अब आप देख रहे हैं किस तरह से इसका झाग बिल्कुल ख़त्म हो गया और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा ये बिल्कुल टेक्सचर बन के तैयार हो गया। आप देख रहे हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, तो ये बढ़िया सा तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सो एक बार छान लेंगे, जैसे लेमन के जो उसमें रेशे वगैरह होते हैं अगर कुछ आ भी गए हों तो वो छन जाने चाहिए, क्योंकि इसका लुक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अभी देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गया, आप देख रहे हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो इसे अब हम एक बाउल में छान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रेनर ले रहे हैं, इसमें सब छान देंगे जिससे कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट हो तो वो निकल जाए या चीनी में भी कोई गंदगी हो तो वो भी निकल जाएगा। तो इस तरह से छान लीजिए। तो ये देखिए हमने छान लिया है पूरा, तो ये अभी काफ़ी गर्म है इसलिए आपको दिख रहा है लिक्विड फॉर्म में। अब ये जब इसको हम छोड़ देंगे बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सा स्टिकी सा बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है। तो ये देखिए अभी गर्म गर्म है, तो इस तरह से आपको दिख रहा है। इसको अभी रूम टेम्परेचर पे आप बिल्कुल छोड़ दीजिए कि बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे जब आ जाए रूम टेम्परेचर पे, फिर हम आपको अभी इसका टेक्सचर दिखाते हैं कि कैसा बन के तैयार होता है बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। और बहुत ही बढ़िया सा इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा जब आप केक को डेकोरेट करेंगे, पाइपिंग जेल बनाएंगे और चॉकलेट मिरर ग्लेज के लिए हम जब तैयार करेंगे उसका ग्लेज ना इसको डाल के, तो आप देखिएगा कितना बढ़िया सा रिज़ल्ट आता है। बिना अगर कुछ भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी से बना सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ गया है। ये 10 से 12 घंटा हमने इसको छोड़ दिया था बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर। हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए कितना बढ़िया सा स्टिकी सा ये बनके तैयार हो गया। आप देखिए इसका टेक्सचर, ये देखने में बिल्कुल हनी के जैसा होता है, बस इसका कलर ये ट्रांसपेरेंट होता है, वाइट कलर में होता है। ये देखिए कितना स्टिकी है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल है। आप मार्केट से अगर ये शुगर सिरप लाएंगे तो ये कॉर्न सिरप तो बिल्कुल ऐसे ही आपको मिलेगा। तो आप इसे घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। आपने देखा कितना आसान है बनाना और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बन जाता है और 5 से 7 मिनट के अंदर ये बिल्कुल तैयार हो जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया, हम आपको जूम करके इसलिए नज़दीक से दिखा रहे हैं कि देखिए कितना बढ़िया सा कितना परफेक्ट बना हुआ है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। इसे बना के आप एक बार रख लेंगे तो इसे कई बार आप पाइपिंग जेल बना सकते हैं या फिर अपने स्वीट डेजर्ट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से बना के इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, 5 से 6 महीने बहुत आराम से चल जाता है। तो आपको जब भी केक डेकोरेट करना है तो आप इसे यूज़ करिए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे इससे पाइपिंग जेल कैसे बनाते हैं, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे जो भी हम नया वीडियो डालें तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो इसे बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही हेल्पफुल रेसिपी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लोगों के साथ भी शेयर करिएगा, सोशल मीडिया पर भी शेयर करिए और प्लीज़ अपने फीडबैक देना बिल्कुल मत भूला करिए।
क्योंकि आपका जो फीडबैक है उससे हमें बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है कि हम और भी कुछ आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आए जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आप ज़रूर बताया करिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए या किस सब्जेक्ट पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, कौन सी न्यू रेसिपी चाहिए। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है जब आप हमें फीडबैक देते हैं। सो प्लीज़ फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिए, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।